Crime in Bollywood, a brand new series, starts June 24th, 9:30 p.m. Only on Zoom, 100% Bollywood. विवेक ओबरॉय जल्द नजर आने वाले हैं राम गोपाल वर्मा की फिल्म रक्त चरित्र में, जहां विवेक बने हैं अ रिबेल टर्न्ड पॉलिटिशियन। लेकिन आखिर इस पॉलिटिशियन का कैसा है लुक, करेंगे आपके सामने अनवेल। लगता है कि अब विवेक ओबरॉय के करियर को एक नई उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता है। माथे पर टीका, कहीं हाथ में सिगरेट तो कहीं कतर, ये झलक है विवेक की आने वाली फिल्म रक्त चरित्र की। विवेक की इस फिल्म की पहली झलक कुछ ऐसी ही होगी। इन पिक्चर्स को देखकर ये कहा जा सकता है कि अब तक की अपनी सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं विवेक। हल्की दाढ़ी और मूछों के साथ राम गोपाल वर्मा ने विवेक को एक सीरियस लुक देने की कोशिश भी की है। इस फिल्म को रामू ने एक साथ 3 भाषाओं में बनाया है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। इतना ही नहीं, इस फिल्म के तेलुगु वर्जन में रामू अपनी खुद की आवाज़ भी दे रहे हैं। रामू के माने तो कई ऑडिशन लेने के बाद उनको ये फील हुआ कि तेलुगु वर्जन के लिए उनकी आवाज़ ही बेहतर होगी। फिल्म में विवेक के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा और साउथ के एक्ट्रेस सूर्या भी हैं। एक्ट्रेस में साउथ की फेमस एक्ट्रेस प्रिया मनी को कास्ट किया है रामू ने। फिल्म का फर्स्ट लुक देखने से ये फिल्म काफी सीरियस और रिवॉल्विंग नजर आ रही है। इस फिल्म से सिर्फ विवेक का करियर ही नहीं बल्कि रामू की इमेज भी चेंज हो सकती है। रामू की पिछली कुछ फिल्में ठीक ढंग से नहीं चल पाई, मगर इस फिल्म का लुक कुछ अलग डायरेक्शन में ही ले जा रहा है। कुछ पिक्चर्स तो हमें रामू की फिल्म कंपनी की भी याद दिलाती हैं। विवेक का सेम लुक और राम गोपाल वर्मा का डायरेक्शन, अब देखना ये है कि क्या ये जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को हिट कर पाती है या नहीं। चेतना सिंह, जूम मोबाइल।